नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन दीपक। एक बार फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के साथ एक टॉपिक लेके यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, इंटीग्रिटी रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना, इस टॉपिक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैच्योरिटी देता है आपको समझने के लिए कि हम प्लान करते करते कहीं हम बियॉन्ड बाउंड्रीज ना चले जाएँ। कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो लगाने बहुत ज़रूरी हैं, तभी उसका जो आउटपुट होता है वो ऑप्टिमल होता है, बेहतर होता है। आफ्टर हैविंग दिस लेक्चर यू विल फाइंड योर सेल्फ मेच्योर टूवर्ड्स इंटीग्रिटी रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर श्योर। मेच्योरिटी का मतलब यह है कि आप अच्छे को अच्छा और गलत को गलत, सही को सही समझ पाएँ, कह पाएँ और अप्लाई भी कर पाएँ। उसके लिए कुछ हमें इंटीग्रिटी रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ये चीज़ हमें सिखाते हैं। इंटीग्रिटी रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर प्लानिंग विद इन लिमिट्स, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ये चीज़ आप पाएंगे जब आप इसको पढ़ पाएंगे। तो इसमें हमने जो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है वो है कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी रूल्स, डोमेन इंटीग्रिटी, एंटरप्राइज कंस्ट्रेंट्स, बिजनेस रूल्स। कंस्ट्रेंट से हम शुरुआत करते हैं। कंस्ट्रेंट, जिसका मैं अगर पर्यायवाची की बात करूं तो कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन भी होता है, स्टैंडर्ड्स भी होता है। एक पॉजिटिव वर्ड है, जो सकारात्मक शब्द है वो है स्टैंडर्ड्स, कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स, हमने मानक बना रखे हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बियॉन्ड द बाउंड्रीज अगर आप जाएंगे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कैसे कहेंगे इसको, हम कैसे डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रेंट इज समथिंग दैट लिमिट्स और कंट्रोल्स व्हाट यू कैन डू, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता है। एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटाबेस थ्योरी, द रिलेशनल मॉडल सपोर्ट्स द वेल डिफाइंड थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स और टेबल्स। आप कुछ भी एट्रीब्यूट्स, कुछ भी टेबल्स या फिर उसमें कैसा डेटा लाना चाहिए, उसके अपने कुछ कंस्ट्रेंट होने बहुत ज़रूरी है। वेल डिफाइंड थ्योरी होनी चाहिए प्लानिंग में। आप जो चाहें कर लें, वो बहुत ज़रूरी है नहीं है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर तो हम एक टीम में काम नहीं कर पाएंगे। मैं कंस्ट्रेंट को और स्पेसिफिकली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। कंस्ट्रेंट्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ अ डिज़ाइनर टू स्पेसिफाई द सिमेंटिक्स ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। अब एक वर्ड है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा स्टोर करने के बाद जब मैं उसको पढ़ूँ तो वो पढ़ने के बाद समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब मैं उस डेटा की लैंग्वेज प्रिपेयर कर लेता हूँ, एक ग्रामर प्रिपेयर कर लेता हूँ, जिससे कि वो बात समझ में आए, उसको मैं रिट्रीव कर सकूँ, इन्फॉर्मेटिव हो सके, वो डेटा डेटा ही ना रह जाए। तो कैसे कहेंगे, कंस्ट्रेंट्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ अ डिज़ाइनर टू स्पेसिफाई द सिमेंटिक्स ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। तो कुछ रूल्स पहले से बने हुए हैं, डिज़ाइनर को इन बात का ध्यान रखकर चलना पड़ता है। अलग शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट फोर्स DBMS टू चेक द डेटा, चेक द डेटा सेटिस्फाइज द सिमेंटिक्स। कि भैया कंस्ट्रेंट वो रूल्स हैं जो ये भी चेक कर पाए कि जो डेटाबेस बना हुआ है वो उस सिमेंटिक्स को, उस ग्रामर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, बहुत ज़रूरी है जो चीज़। अब इंटीग्रिटी रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। इंटीग्रिटी रूल्स आर नीडेड टू इन्फॉर्म द DBMS अबाउट सर्टेन कंस्ट्रेंट्स इन द रियल वर्ल्ड। अब इंटीग्रिटी रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे गए हैं, जो यहाँ पर अप्लाई DBMS में किए जाते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली होते हैं, उनको हमें मानना पड़ता है, जो बताते हैं कि इस रियल वर्ल्ड में कुछ कंस्ट्रेंट के साथ ये DBMS जो डेटाबेस है वो चलेगा, तभी आपको वो सही रिजल्ट देगा। स्पेसिफिक इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाई टू वन स्पेसिफिक डेटाबेस। कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं। तो स्पेसिफिक जो रूल्स हैं वो भी हमें खुद प्लान करने पड़ते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्क्स कभी जीरो से कम ना हो जाए, वो जीरो या जीरो से ऊपर ही रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो कुछ हो नहीं सकती। तो मार्क्स कैन नेवर बी लेस देन जीरो। अब किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब जरूर डेफिनेटली मार्क्स आपके नेगेटिव जाते हैं, लेकिन ये भी एक कंस्ट्रेंट है कि अगर मैं नॉर्मल एक एग्जाम ले रहा हूँ तो वो जीरो से नीचे नहीं जाएगा। तो ये लॉजिकल कंस्ट्रेंट भी कहता है और स्पेसिफिक हमने एक डेटाबेस के लिए इस्तेमाल कर लिया। कुछ इंटीग्रिटी रूल जनरल होते हैं, जो जनरल हर डेटाबेस पर अप्लाई होते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटीग्रिटी रूल्स, जो हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी बना के रखते हैं। जो कोई भी टेबल एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए बना हुआ है हमारा पूरा डेटाबेस, तो कोई भी टेबल किसी उस टारगेट से बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, इसलिए इंटीग्रिटी रूल की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला है हमारा डोमेन इंटीग्रिटी। अब नाउ व्हाट इज डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन रिस्ट्रिक्ट्स द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन एंड इज अ कंस्ट्रेंट ऑफ द रिलेशनल मॉडल। रिलेशन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं पहले प्रेजेंटेशंस में, कि वट इज़ कॉल्ड रिलेशन, रिलेशन इज़ कॉल्ड टेबल। यहाँ पर जो हम टेबल से बात कर रहे हैं, जो हमारा रो एंड कॉलम में जो डेटा रखा गया है उसको हम रिलेशन कह रहे हैं। तो उस रिलेशन में जो कॉलम के नेम हैं उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं,
तो वो जो पार्ट है कॉलम का, पूरा जो एरिया है उसको हम डोमेन कहते हैं। अब अगर रोल नंबर हमने कंस्ट्रेंट लिया है, एक लिया है कि रोल नंबर है, उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा, तो उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इंटीजर ही होनी चाहिए, और रोल नंबर जो आइडेंटिफाई करने का काम आ रहा है, जो उसको असाइन किया गया स्टूडेंट को, तो वहाँ पर रोल नंबर ही आएगा, नेम नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय आई डी मस्ट बी यूनिक। अब हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया है, उसमें एम्प्लॉय आई डी बनाई है, एंड दैट शुड बी यूनिक। अगर मैंने 21 एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आई डी दे दी, तो फिर अब 21 उसमें कभी भी और नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन। तो ये उसकी डोमेन की इंटीग्रिटी है कि भैया एम्प्लॉय आई डी यहाँ पर प्राइमरी की बनाया है, दैट शुड बी यूनिक। अब बर्थडे, बर्थ डेट है, उसका रेंज हमने लिया है कि भाई इसमें जो एम्प्लॉय आएंगे वो किस एज से किस एज तक हो सकते हैं। तो साहब जनवरी 1 से 1950 से लेकर जनवरी 1 2000 तक कि अगर डेट ऑफ बर्थ है उनका, तभी वो इसमें इनरोल होगा, वरना वो नहीं होगा। दैट इज़ ऑल्सो अ डोमेन इंटीग्रिटी। मैंने उस कॉलम के लिए भी वो एक रूल बना दिया। सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द लॉजिकल स्टेटमेंट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर यही जो जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स के रूप में अगर मैं उस स्टेटमेंट को या रिस्ट्रिक्शन को लगा दूँ, तो उसको हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। टू जनरल रूल्स टू डिस्कस, यहाँ पर हम बात करेंगे दो पर, एक इंटीग्रिटी रूल है और एक आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल है। आगे बढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी रूल। एंटिटी इंटीग्रिटी रूल में दो चीज़ें आती हैं, पहला है प्राइमरी की और दूसरा है हमारा फॉरेन की। तो पहले हम प्राइमरी की देख लेते हैं। प्राइमरी की के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कीज़ वाले लेक्चर में, यहाँ पर हम रूल की बारे में ध्यान देंगे। तो प्राइमरी की इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिलेशन। एक टेबल में जो प्राइमरी की बनाई जाती है, उसका काम क्या होता है, जिससे कि मैं एक टपल को, एक रो को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ, इसलिए मुझे प्राइमरी की ज़रूरत पड़ रही थी, नॉट प्राइम। अब उसके लिए रूल क्या है, पहला रूल क्या कहता है, एनी वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की ऑफ अ बेस रिलेशन इज़ नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट नल। पहली बात तो यह है कि प्राइमरी की अगर आपने किसी एट्रीब्यूट को बना दिया है, तो उसमें नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। नाउ व्हाट इज़ नल? नल मीन्स नथिंग। अब मैंने दो तरीके से समझाया है कि नल मेक मीन प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई, कि भैया ये नल है, इस पर कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ना ये इंटीजर काम करेगा, ना करेक्टर काम करेगा, ना स्ट्रिंग काम करेगा, ना डेट काम करेगा, ये नल है। और हम अगर नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई इसके अलावा प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए जिसको हमने प्राइमरी बनाया। फॉर एग्जाम्पल, द सप्लायर मे बी अ कंट्री, द सप्लायर मे बी अ कंट्री इन विच केस द एट्रीब्यूट सिटी हैज़ अ नल वैल्यू बिकॉज सच प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई। बोला कि भाई आपने सिटी एक एट्रीब्यूट लिया है, उसमें हो सकता है कि सप्लायर के बारे में हमें ना बताओ कि वो किस शहर से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर नल वैल्यू एक्सेप्ट हम कर रहे हैं कि वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो अगर नहीं हो रही है तो क्या आएगा, वहाँ पर नल हम लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से, नल मीन्स वैल्यू इज अननोन, कि भैया इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, यहाँ पर क्या है नल, यहाँ स्पेस या कुछ ऐसा कुछ नहीं डालेंगे हम, कहते दैट इज कॉल्ड नल। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सप्लायर इज अ पर्सन, देन अ नल वैल्यू फॉर सिटी एट्रीब्यूट मीन्स वी डू नॉट नो द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अब अगर यहाँ पर सप्लायर इज अ पर्सन, तो वहाँ पर उसका नाम तो पता है मगर उसका शहर हमको नहीं पता है, तो वहाँ पर नल वैल्यू एक्सेप्ट की जाती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नल। तो यहाँ पर प्राइमरी की का रूल क्या है कि भैया वहाँ पर कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नल कैन नॉट बी इन प्राइमरी कीज बट कैन बी इन ऑल्टरनेट कीज। एग्जाम्पल, SSN मे बी नल फॉर वन एंड ओनली वन पर्सन। वाई? बोला कि भाई पहली बात तो प्राइमरी कीज में नल आएगा नहीं, लेकिन अगर आपने नल को एक्सेप्ट किया भी है, तो वहाँ पर नल फिर एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, क्योंकि नल तो डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि भैया जैसे SSN मे बी नल फॉर वन, वो कह रहा है नल भी आएगा तो प्राइमरी की तरह ऐसे ऐसे काम करेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा नल आप उसमें नहीं, क्योंकि वो प्राइमरी की है, इस कारण से नल वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। अब फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ वन रिलेशन R2। अब बात कर रहे हैं कि एक हमारा टेबल है R1, एक टेबल है R2। तो R1 और R2 वो टेबल्स हैं हमारी जिसको रिलेशन बोल रहे हैं। तो कैसे, आप फॉरेन की इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ वन रिलेशन R2, एक R2 टेबल है जिसके अंदर एक फॉरेन की हमने ले रखा है, whose values are required to match those of the primary key of some other relation R1। कि भैया R2 में जो हमने फॉरेन की ली है, उसकी वैल्यू मैच 101% करनी चाहिए किसकी, R1 के प्राइमरी की से। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट अ फॉरेन की मस्ट हैव मैचिंग प्राइमरी की और इट मस्ट बी नल।
बोला कि भैया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहती है, वो कहती है कि अगर फॉरेन की में अगर कोई वैल्यू है तो वो प्राइमरी की में भी होना अनिवार्य है, अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ पे नल हो सकता है, बाकी कुछ और नहीं हो सकता, दैट इज़ गॉन। तो फॉरेन की क्या है, बेसिकली ग्लू का काम करती है, एक फेविकॉल का काम करती है दो टेबलों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। अब एंटिटी यूनिटी के आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इन द कस्टमर ऑब्लिक ऑर्डर डेटाबेस ऑफ द कंपनी। हमने एक कस्टमर ऑर्डर दो टेबल लिए हैं, कस्टमर ऑर्डर का डेटाबेस बना हुआ है, दो टेबल हैं इसके अंदर, जिसके अंदर एक कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर में ऑर्डर आईडी है, एक कस्टमर आईडी भी दोबारा से है, और फिर ऑर्डर डेट है। तो ऑर्डर में जो कस्टमर आईडी है दैट इज कॉल्ड फॉरेन की, एंड कस्टमर में जो कस्टमर आईडी दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। इसका क्या मतलब है कि कस्टमर में जो कस्टमर आईडी में जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी यूनिक, दैट शुड बी यूनिक। ऑर्डर में वही कस्टमर आईडी आ सकती हैं जो कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी में ऑलरेडी होंगी, वरना वो और कोई नहीं आ सकती है। टू इंश्योर दैट देर आर नो ऑर्फन रिकॉर्ड्स वी नीड टू इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड ऑर्फन ना रह जाए इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स की जाती है। ऑर्फन रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्फन रिकॉर्ड्स ऐसा रहो जिसे हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, वो टेबल में पड़ा हुआ है मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो किसके लिए बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑर्फन रिकॉर्ड, जिसका कोई भी रो वाइज डेटा मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑर्फन रिकॉर्ड। तो ऐसा कोई ऑर्फन रिकॉर्ड न रह जाए इसलिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन्फोर्स करना ज़रूरी है। रूल्स हैं कुछ, तीन तरह के रूल्स हैं, एक कास्केडिंग भी बोलते हैं उनको। तो यहाँ रूल्स हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के, जहाँ पर इंटीग्रिटी रूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिलीट इंटीग्रिटी रूल, इंसर्ट इंटीग्रिटी रूल और अपडेट इंटीग्रिटी रूल, ये एनोमलीज में भी पढ़े जाते हैं। तो ये रूल क्या कहता है, डिलीट इंटीग्रिटी रूल क्या कहता है, वी शुड नॉट डिलीट C10 कॉमा अजय, दैट मीन्स कि कस्टमर आईडी इज C10, नेम इज अजय, फ्रॉम कस्टमर इफ C10 इज प्रेजेंट इन ऑर्डर टेबल। अगर ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर आईडी में मौजूद है, एक ऑर्डर ले चुका है या दे चुका है, तो वो कस्टमर आईडी मैं कस्टमर प्राइमरी टेबल से डिलीट नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दैट इज कॉल्ड डिलीट इंटीग्रिटी रूल। इंसर्ट इंटीग्रिटी रूल, वी शुड नॉट इंसर्ट 19, दैट मीन्स की आईडी उसमें था ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी इज C11 एंड डेट इज 25/01/2019 इनटू एन ऑर्डर अनलेस C11 इज प्रेजेंट इन कस्टमर टेबल। इंसर्ट इंटीग्रिटी क्या कहती है कि मैं C11 रिकॉर्ड तब तक मैं ऑर्डर में नहीं इंसर्ट कर सकता जब तक कि वो प्राइमरी टेबल में ना हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। अपडेट इंटीग्रिटी रूल क्या कहता है कि इफ, अब ये जो अपडेट इंटीग्रिटी रूल है वो लगभग हर जगह कास्केड में काम नहीं करता है, क्योंकि ये कभी कभी कुछ इंटीग्रिटी जो हमारी लॉजिकल इंटीग्रिटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उनको ब्रीच करता है। मैं बताऊंगा कैसे। इफ वी अपडेट C10 टू अ कस्टमर टेबल, इन अ कस्टमर टेबल, देन इट विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली अपडेट, दैट मीन्स कि मैंने C10 को C10A कर दिया है, C10 को C10A अपडेट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं प्राइमरी टेबल में कस्टमर टेबल में C10 को C10A करूं, तो ऑर्डर टेबल में जहां जहां पर भी C10 होगा वो C10A हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अपडेट इंटीग्रिटी रूल। अब अपडेट की बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल एक बच्चे की अटेंडेंस 21 रोल नंबर पे ली गई है और अटेंडेंस ली गई है, उसके मार्क्स चढ़ गए हैं और उसका एप्लीकेशन आ चुकी है, उसकी लीव एप्लीकेशन लगी हुई है उसी 21 रोल नंबर पे। अब एक आध महीने दो महीने बाद काम होने के बाद, सारा डेटाबेस फेल होने के बाद, हमें याद आता है कि हम 21 जो हमारा रोल नंबर है वो गलत है, वो 21A या 21C होना चाहिए, और उसको मैं चेंज कर दूँ, तो उसका मतलब क्या है कि जिन डेट्स पे 21 पर एंट्री हुई थी, जो प्रिंट हमारे ऑलरेडी निकल गए हैं, अब उनको तो मैचिंग करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अपडेट इंटीग्रिटी रूल बड़ा डेलिकेट रूल है, उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। दीज आर द रूल्स रिलेटेड टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारा जो इंटीग्रिटी रूल है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज कंस्ट्रेंट। एंटरप्राइज कंस्ट्रेंट है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। जैसे एंटरप्राइज कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि कोई भी सिमेंटिक हमने कोई ग्रामर बनाने की कोशिश करी अपने डेटाबेस के लिए, तो वो मल्टीपल टेबल्स में भी अप्लाई हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना। जैसे अ क्लास कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स, कि भैया आप उस क्लास अगर एक बना रहे हो 30 से ऊपर स्टूडेंट उसमें नहीं होने चाहिए, तो अब वो डेटाबेस के अंदर उस पर हम फीड नहीं करते, तो हमें लॉजिकली उसको लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अ टीचर कैन टीच अ मैक्सिमम ऑफ 4 क्लासेस पर सेमेस्टर। एन एम्प्लॉय कैनॉट टेक पार्ट इन मोर देन 5 प्रोजेक्ट्स। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय कैनॉट एक्सीड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज
मैनेजर, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डेटाबेस में डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं हो सकते, मगर हमने प्लान किए हैं कुछ कंस्ट्रेंट अपने डेटाबेस स्पेसिफिकली, तो हमको उसको स्टेटमेंट के वाइज या प्रोग्रामेटिकली उसको हमने अरेंज करना पड़ता है, वरना वो प्रोग्राम हमारा ख़राब भी हो सकता है। बिजनेस रूल्स, बिजनेस रूल्स भी कुछ कॉन्सेप्चुअल रूल्स हैं जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे बिजनेस रूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजर्स वेन गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, जब यूजर्स के कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हम डायरेक्टली डीबीएम से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, मगर डेटाबेस में वो डेटा जाए ना जाए उसके लिए हमें कुछ रूल बनाने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रूल्स अकॉर्डिंग टू द यूजर, तो उनको बोलते हैं बिजनेस रूल्स। द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिजल्ट शुड बी वेरीफाइड बाई द यूजर्स बिफोर द डेटाबेस डिजाइन इज बिल्ट। तो हमने जो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो बनाने से पहले हमें यूजर से क्लियर कर लेना चाहिए, वो रूल अप्लाई करने से पहले यूजर से हमें वेरीफाई करा लेना चाहिए, जिससे कि वो बाद में डेटाबेस में दिक्कत बनाने में ना आए। इफ़ द बिजनेस रूल्स आर इनकरेक्ट, सो सिंपल कि भैया अगर वो बिजनेस रूल्स अगर वो गलत हो गए, तो आप कितना ही स्टैंडर्ड पे काम कर लीजिए डेटाबेस में, कितना ही नॉर्मलाइज बना लीजिए, वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं देगा जो यूजर ने एक्सपेक्ट किया है। इसलिए बिजनेस रूल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स, अ क्लास कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 35 स्टूडेंट्स, अ कोर्स कैन बी टॉट मैनी टाइम्स बट बाई ओनली वन इंस्ट्रक्टर, नॉट ओनली टीचर्स टीचेस, नॉट ऑल टीचर्स टीचेस क्लासेस। अब टीचर्स हमारे पास हैं पढ़ाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर टीचर क्लास ले ही, उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं, तो वो इस तरह के रूल्स हैं जो यूज़र एक्सपेक्ट करता है, जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं डेटाबेस बनाने से पहले, वो डिज़ाइन करने से पहले। धन्यवाद।